कर अहद वफा कोई गया है मुझसे, बांध कर अहद वफा कोई गया है मुझसे, ऐ मेरी उम्र रवा और ज़रा आहिस्ता। टी टाइम विद शाज़िया हुसैन के साथ जो है आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज का जो टॉपिक है मेरे शेर से जो है वो ज़ाहिर होगा, उम्र जो है वो रुकती नहीं है, उसको रोकने की जितनी भी कोशिश की जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हमारे चेहरे पे रिंकल्स भी आते हैं और एजिंग भी होती है, इस कंसैक करती है। तो नाज़रीन, आज उसी से बचने का जो है वो सबसे अहम तरीका मैं बताऊंगी कि किस तरह आप उससे प्रिवेंट कर सकते हैं जल्दी एजिंग से, या ये कि अपनी एजिंग को कम से कम अगर रोक नहीं सकते हैं तो कम से कम जो है धीरे धीरे जो है वो आहिस्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, कॉलेजन क्या होता है? कॉलेजन जो है वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हमारी जो है वो स्किन और जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाता है नाज़रीन, और ये बहुत वाइडली यूज़ होता है प्योरीफाइड फॉर्म में जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरीज में भी यूज़ होता है। उसके अलावा जो है हम इसको सिर्फ इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि बोन्स की मजबूती के लिए समटाइम्स, उसके अलावा जो है वो जॉइंट पेन में भी जो है हम उसका जो है वो इस्तेमाल हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। हमारी जो स्किन है, जैसे 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 कॉलेजन जो है वो कम होता जाता है, वैसे 20 इयर्स के बाद 1% जो है हर साल कम होता है, लेकिन 30 के बाद जो है वो बहुत जल्दी कम होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आफ्टर 30 जो है वो अपने जो है वो इसका जो है इनटेक बढ़ा दें कॉलेजन का, क्योंकि अगर आपने नहीं बढ़ाया तो एजिंग जो है वो बड़ी तेज़ी से आती है। कुछ लोगों के आपने नोट किया होगा कि बहुत तेज़ी से आती है, कुछ के स्लो आती है। तो स्लो जिनके आती है वो यकीनन केयर करते हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। इंटरनल केयर का मैं जो बताऊंगी आपको वो ये बताऊंगी कि इसके बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल हैं। सप्लीमेंट पे मैं बाद में जाऊंगी, मैं आपको पहले बताऊंगी कि उसको हम जो है वो नेचुरल तरीके से जो हमारे अल्लाह ताला ने जो फूड दिया हुआ है उसमें जो है वो काफ़ी सारे जो हैं वो लाइक मीट हो गया, एग्स हो गए, आपके फिश हो गई, उसके अलावा जो है वो आपके जो है लीफी वेजिटेबल्स हैं, उसके अलावा रेड वेजिटेबल्स हैं, एवोकाडो है, उसके अलावा आप अगर देखें तो बेरीज हैं, बेरीज मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है। तो जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो आप अपना इंटेक जो है वो रखें, और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ जो ब्राउन लोगों के पाए होते हैं, पाए नहीं पाए जो होते हैं, तो उसका इंटेक जो है महीने में कम से कम दो दफ़ा ज़रूर रखें। एक तो यहाँ का वेदर भी ऐसा है कि वो आप खाने में आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आप जितना भी खाएंगे कोई सर्दियों की वजह से आपको जो है कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हाँ एक तरीके से नुकसानदेह उनके लिए जिनको कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है। उसके अलावा ये कि अगर आप खा रहे हैं तो पाए और तो उसके साथ आप जो है लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि जो है वो फैट जो है वो काट देगा उसका। और उसके अलावा ये कि आप ग्रीन टी ज़रूर लें उसके साथ, और अगर ग्रीन टी नहीं ले रहे हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल उसके बाद खाने के बाद ज़रूर करें। उसके बाद नाज़रीन, अगर आप जाएँ तो इसमें जैसे जिसमें हलाल जेलेटिन भी मिल जाती है वो वाले फूड भी आप इस्तेमाल करें, जो वेजिटेबल से जो जेलेटिन का वो होता है। उसके अलावा जो है वो आप मार्केट में सप्लीमेंट मिलते हैं बहुत बड़ी तादाद। आपको मैं बताऊंगी 2014 में जो है वो अमेरिका में, सिर्फ मैं अमेरिका की रिसर्च बता रही हूँ, अमेरिकन रिसर्च है कि जो है 50 मिलियन जो है वो लोग जो थे वो खर्च करते थे जो उस पर कॉलेजन के उस पर स्पेंड करते थे अपने मनी, और अब 2020 में कह रहे हैं कि 293 मिलियन जो है वो स्पेंड करेंगे सिर्फ कॉलेजन सप्लीमेंट पे। तो इसका इस्तेमाल, चूंकि अवेयरनेस बढ़ रही है तो इस्तेमाल जो है, क्योंकि जाहिर है आप फूड में आप जिस हद तक ले सकते हैं लें, लेकिन फिर सप्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। सप्लीमेंट जो है वो बहुत बड़ी जो है वो रेंज में आपके पास अवेलेबल हैं, एक तो प्राइस वाइज और उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ के हैं। $11 से लेके जो है वो फिर आप देख सकते हैं कि कितना कितना जो है इसके जो है कहाँ कहाँ पे आपको ये मिल सकता है, और सस्ता भी मिलता है, और अगर सेल की तरफ जाएँ तो आप $11 तक आपको वो सेल में मिल जाएगा। नेचुरल उसकी तरफ ज़्यादा आप ध्यान दें, और अगर नेचुरल नहीं मिल रहे तो कोई अच्छी कंपनी का जिसका भी आप सर्च करना चाहें, अच्छी कंपनीज के जो हैं वो काफ़ी अवेलेबल हैं, बल्कि यहाँ जो है वो
कुछ यहाँ पे ड्रग मार्ट्स हैं तो उस पे भी शॉपर्स ड्रग जैसे हो गया, तो वहाँ पे भी आप जाके या वॉलमार्ट वगैरह पे भी अवेलेबल हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। इसको जो है वो कितना लेना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी कि जो कॉम्प्लेक्शन के जो जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो ग्लो करे, जो हर एक चाहता है, और उसके अलावा जो है वो चाहता है कि जॉइंट जो है वो उनके मजबूत हों जॉइंट्स, उसके अलावा जो है वो अगर ये इन चीज़ों के लिए अगर आप चाहते हैं बोन के लिए, तो उसके लिए आपको जो है वो 11 ग्राम यानी एक स्कूप जो है वो डेली आप जो है कंज्यूम करेंगे। उसके अलावा अगर आप जो है वो अपना मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए 1.5 स्कूप जो है यानी 15 ग्राम्स जो है वो आप इस्तेमाल करें। हर बंदे की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपको एक मशवरा ज़रूर दूंगी कि कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें, क्योंकि ये मशवरा मैं एक जो है वो एक इंफॉर्मेशन के तौर पे दे रही हूँ, आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। मार्केट में जो है जैसे मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट जो है वो अवेलेबल हैं काफ़ी सारे, तो उसमें हाइड्रोलाइज जिसे कहें पेप्टिक जो हाइड्रोलाइज, आप ये ज़रूर जो है वो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि स्टार्ट में जो है ये ज़रूर हाइड्रोलाइज ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है वो जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो वो आपका ईजी टू एब्जॉर्ब ईजी टू डाइजेस्ट है। तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो है सप्लीमेंट आपके जो हैं वो इस तरह का, आप जिस वक्त भी मार्केट में जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा लेना है। मैंने जैसा कि बताया कि नेचुरल भी जो है हर्बल जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप पहले जाके हर्बल का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका जो लेने के बाद कहते हैं कि 3 हफ्ते में जो है वो 28 डेज में, बाज लोगों का दावा है कि 28 डेज में जो है वो आपका जो है फाइन लाइंस और रिंकल रिडक्शन शुरू हो जाती है, उसका जो है ऑब्वियस जो है वो डिफरेंस आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सूट नहीं कर रहा है तो आप फिर उसके बाद आप स्विच भी कर सकते हैं दूसरे सप्लीमेंट पे, लेकिन मैंने आपको जो बताया 11 ग्राम से ज़्यादा आप नहीं आप जो है कंज्यूम करेंगे अगर आप सिर्फ कॉम्प्लेक्शन के लिए जा रहे हैं। नाजरीन फिर उसके अलावा जो है एक्सटर्नल जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें भी निकली हुई हैं, क्रीम्स हैं और कैप्सूल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं कि जो कि आपके स्किन को जो है वो ग्लो भी करती हैं, ज़ाहिर है कॉलेजन को आप लेकिन सुपरफिशियली आप यानी कि आप जितना आप कितना ट्रीट कर सकते हैं, तो वो इंटरनल बहुत ज़रूरी है। साथ में जो है ये चीज़ यानी कि दोनों चीज़ें लेके चलेंगे तो ये आपके जो है वो बहुत जल्दी आप उसके जो है असरात देखेंगे अपनी स्किन पर, ग्लो करेगी स्किन। तो नाजरीन इसमें जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी बहुत यूथफुल स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको किसी टाइम पे जो है उसकी मशीन भी दिखाऊंगी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी से आप किस तरह अपनी स्किन को यूथफुल बना सकते हैं। उसके अलावा ये मेरे पास जो है ये गोल्ड बायो कॉलेजन फेशियल मास्क ये है नाजरीन, ये जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर महीने में 21 डेज वैसे अगर आप कहें तो 3 हफ्ते में अगर आप इसका एक दफ़ा इस्तेमाल इस वेदर में मस्ट करें तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों का जो है वो फेस ऐसे ग्लो करेगा कि ये मेरी गारंटी है। तो लेकिन इसके साथ जो है वो माइक्रोडर्मा ज़रूर पहले माइक्रोडर्मा करवाएं, माइक्रोडर्मा ब्रिजन और उसके बाद इसका मास्क लगवाएं। माइक्रोडर्मा ब्रिजन जो है वो क्या होता है, माइक्रोडर्मा ब्रिजन जो है वो आपके डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो निकालते हैं आउटर लेयर पे, जो आपके आपके जो है वो डेड सेल्स आते हैं बिल्डअप होते रहते हैं, और स्पेशली इस वेदर में तो वो उसको जो है उसको हटा देता है, और उसके बाद जो है फिर आप ये वाला मास्क इस्तेमाल करें। मैं एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ, मैं अपने डायरेक्टर से कहूँगी कि इसको एक दफ़ा प्लीज़ क्लोजअप करें। तो ये कि जी
तो फिर इसके इस्तेमाल के बाद आपका यकीनन यकीनन जो है वो स्किन ऐसे ग्लो करेगी कि लोग रोक रोक के पूछेंगे कि तुमने क्या करवाया है। तो नाज़रीन, बस इसी के साथ जो है, इसी मालूमात के साथ आज का ये सेगमेंट जो है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आपका जो है वो बड़ी जवान जवान सी स्किन हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर आपसे मुलाकात करती हूँ, अभी जो है हमारा जो है वो सादिया बुखारी होंगी लीगल इंफॉर्मेशन के साथ, और उसके बाद होंगे डॉक्टर नकवी। तो मैं जो है आपसे इजाजत चाहूंगी इस वाले सेगमेंट में, और मिलती हूँ छोटी सी ब्रेक पे। यूं गई और यूं वापस आई। Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Finding halal grocery has never been easier. Whether it's choosing halal meat, delicious bakery items, delicious Pakistani cooked foods, or daily groceries, Pak Darbar Supermarket is a one-stop shop for your all day-to-day grocery needs. We are open daily to serve you. Quality grocery products, fresh fruits, vegetables, and a huge variety of everyday essentials. Find some of the best traditional cultural dishes in one place. Dine in or take out. We also offer catering services. Pak Darbar Supermarket. Visit us today at 2273 Dundas Street West, Mississauga. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो है मैं आपको जैसे कि बता रही थी कि सादिया बुखारी के साथ मैं हाजिर होंगी लीगल इंफॉर्मेशन के साथ, और मेरे साथ होंगी इमरान सोहेल जी। सोहेल, हमने जो है वो अपने लास्ट प्रोग्राम्स में जो जो डिस्कशन हमारी चल रही है इसके हवाले से, फैमिली इशूज़ के हवाले से, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, सादिया की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जी, सादिया की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ फिर आज सादिया बुखारी जी तशरीफ़ रखती हैं, तो उनको वेलकम करते हैं और फिर वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं जहां से लास्ट में हमने छोड़ा था। तो वेलकम टू प्रोग्राम अगेन। सादिया, हमारी बात हो रही थी कि जो अभी जैसे किसी की फैमिली में कोई इशू अगर चल रहा है तो उसमें जो है पुलिस कंप्लेन हो गई, लीगल एड इन्वॉल्व, इलीगल क्या चिल्ड्रन एड इन्वॉल्व हो गई, तो अब जो है वो एक्सेस की तरफ, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक्सेस के लिए जो मसले मसाइल होते हैं वो बताइए बच्चों के एक्सेस में जो। पहले तो मैं अगेन वो बात रिपीट करना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ लीगल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, दिस इज नॉट लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए मेरे साथ या किसी और लॉयर के साथ आप रब्ता कर सकते हैं, एंड कोई ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो है जो मैं दे रही हूँ इससे कोई सोलिसिटर क्लाइंट रिलेशनशिप फॉर्म नहीं होती। ये तो एक जरूरी होता है आपको पता है, लॉयर को देना एक्सेस की बात है। अब चले हम प्रिज्यूम करते हैं कि एक पार्टी जो है चार्ज हो गई, पुलिस ने हस्बैंड को चार्ज कर दिया, और मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आदमी लोग चार्ज होते, औरतें भी होती हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए ताकि आप लोग समझ सकें, मैं इस सिर्फ प्रिज्यूम कर रही हूँ कि हस्बैंड चार्ज हुआ है, ठीक है? ठीक है, तो हस्बैंड चार्ज हो गया, अब बच्चे इन्वॉल्व हैं। जो वाइफ है या मदर है उनको कस्टडी के लिए राइट अवे अप्लाई करना है, जैसे अगर हस्बैंड आता है और बच्चे ले जाता है और वाइफ पुलिस के पास जाती है। हाँ, अगर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है उसमें तो पुलिस उसको हस्बैंड को कहेगी कि तुम घर क्यों गए थे, हमने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाया था, लेकिन वैसे पुलिस कहेगी कि बच्चे का इक्वल राइट है फादर के साथ टाइम स्पेंड करने का और मदर का, मदर के साथ। तो इसलिए पुलिस कस्टडी मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होती, उन्होंने कोर्ट ऑर्डर देखना होता है। तो राइट अवे कस्टडी के लिए अप्लाई करना बहुत जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी, अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यू है
दूसरा जो है डिसीजंस लेनी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड जेल में चला जाता है, बच्चे के बारे में डिसीजंस लेनी है, तो टेम्पररी तौर पे किसी एक पार्टी के पास कस्टडी होनी चाहिए, स्पेशली व्हेन देयर इज नो कम्युनिकेशन हु इज गोना मेक डिसीजंस. स्कूल से रिलेटेड ट्रिप पे बच्चे जा सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं जिसपे ट्रैवल, ये सब चीजें हैं जिनके लिए कंसेंट होना जरूरी. तो राइट अवे कस्टडी के लिए अप्लाई किया जाए. अब जब अप्लाई, इसमें ये खाली कस्टडी नहीं होगा, इसमें एक्सेस कस्टडी चाइल्ड सपोर्ट, बिकॉज दीज आर इंटर रिलेटेड इश्यूज और ये इतने वास्ट हैं कि हम इन सारों के ऊपर आज बात नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपने एक्सेस की बात की, इसके साथ कस्टडी कोर्ट टेम्पररी कस्टडी भी देगी, एक्सेस भी देगी और साथ चाइल्ड सपोर्ट जो है उसका इश्यू भी होगा, क्योंकि चाइल्ड सपोर्ट जो है बच्चे का राइट है, ये किसी पेरेंट का राइट नहीं है. अच्छा, अब टेम्पररी तौर पर हमने प्रिज्यूम किया कि माँ को कस्टडी मिल गई, तो बेस्ड ऑन द चाइल्ड सपोर्ट गाइडलाइंस जितनी भी फादर की इनकम है और डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी किड्स आर देयर, तो चाइल्ड सपोर्ट जो है वो कोर्ट जो है ऑर्डर कर देगी. अब प्रॉब्लम जो मैं अपनी, ये हम इसका डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम जो मैं देख रही हूँ मेन, इसमें ये होता है कि जो है ना ज्यादातर, एंड आई एम नॉट जनरलाइजिंग, मोस्टली जो मैंने देखा है कि औरतें ना फादर को बच्चे नहीं देना चाहती. हाँ. वो कहते हैं हमने नहीं जी ये बच्चे हैं, बस वो मारेगा, वो आम अगर औरत को मारे वो कहेगा नहीं ये, वो कहेगी मेरे बच्चों को भी मारेगा. अच्छा, और आदमियों को चाइल्ड सपोर्ट में प्रॉब्लम होती है. ये मैं अपने जो हमारे सुनने वाले उनको ये कहना चाहूंगी कि चाइल्ड सपोर्ट बच्चे का राइट है और चाइल्ड का ही राइट है, बच्चों का राइट है कि वो दोनों पेरेंट्स के साथ इक्वल टाइम स्पेंड करें, और कोर्ट्स भी ये प्रमोट करना चाहती हैं. और हमें एज अ लॉयर क्लाइंट्स को ये समझाना पड़ता है कि लुक, यू नो व्हाट, ठीक है तुम्हारे पास कस्टडी है लेकिन फादर का इक्वल राइट है. जी. और दूसरा फिर होता है इंस्टिगेशन शुरू हो जाती है माँ से, वो तुम्हारे बाप ने मुझे मारा, उस वजह से हम अब अकेले हैं, तुम्हारा बाप तुमसे प्यार नहीं करता, और दोनों साइड से बाप भी अक्सर ये करते हैं, इंस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं. ये दोनों अपनी लड़ाई में ये नहीं सोचते कि बच्चों के ऊपर जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो क्या है, क्योंकि बच्चे जो हैं दे लव बोथ पेरेंट्स इक्वली. अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने बताया ना कि इसके टेक्निकल चीजों में मैं आगे अगले प्रोग्राम्स में जाऊंगी, कि जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, जैसे कोर्ट कहती है सुहेल भाई की आप चिल्ड्रन ऑफिस ऑफ द चिल्ड्रंस लॉयर इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें अगर कंसर्न होता है कस्टडी के बारे में और दोनों पार्टीज फाइट कर रही होती हैं, दूसरे पर इल्जाम लगा रही होती हैं और चिल्ड्रन एड इन्वॉल्व नहीं हुई होती, तो फिर कोर्ट क्या करती है, चिल्ड्रन ऑफिस ऑफ द चिल्ड्रन लॉयर में को अपॉइंट करती, को डायरेक्शन देती है कि वो लॉयर अपॉइंट करे. दे हैव अ राइट टू रिफ्यूज, बट इफ दे एक्सेप्ट देन देयर विल बी अ चिल्ड्रन लॉयर इन्वॉल्व. वो बच्चे से राबता करेगा, बच्चे से जब मेल या फीमेल वॉट एवर इट कैन बी, ही कैन बी मेल और फीमेल, और स्कूल जाएगा, डॉक्टर से डिस्कशन करेगा, बच्चे से इंडिविजुअली मिलेगा. और कई दफा ये देखा गया कि बच्चे जो उनसे बातें करते हैं वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि माँ ये कह रही होती है कि बाप सिखा रहा है, तो पता बिल्कुल उल्टी चीज चलती है कि नहीं वो माँ के डर से जो है हम ये बातें कह देते हैं, और उनके पास डिफरेंट तरीके होते हैं टू निकलवाने के लिए, राइट. तो ये सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि प्लीज बच्चों के ऊपर रहम करें, बच्चों को अपनी लड़ाई में, बिल्कुल बच्चों को अपनी लड़ाई में इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि जो उनपे इम्पैक्ट होगा वो आज नहीं, वो सारी उम्र उनके ऊपर रहेगा. तो उनके साथ ना सामने ना लड़ाई करें, ना कोर्ट मैटर्स को डिस्कस करें, ना चाइल्ड सपोर्ट के बच्चों को पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये चीजें डिस्कस ना करें. अब मैं आपसे कस्टडी की बात करती हूँ. कस्टडी जो है वो मोस्टली थ्री काइंड्स, सोल, जॉइंट एंड शेयर्ड. सोल कस्टडी क्या होती है कि एक पार्टी के पास डिसीजन मेकिंग पावर होता है कि बच्चे के स्कूल के बारे में, बच्चे के रिलीजन के बारे में, बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड वो डिसीजंस ले लेगा. और यूजुअली उसी के पास प्राइमरी रेजिडेंस होता है, क्योंकि बच्चे का द चाइल्ड इज मोस्टली रिजाइडिंग विद दैट पेरेंट, बिकॉज ही और शी इज मेकिंग डिसीजंस फॉर द चाइल्ड. दूसरी पार्टी को एक्सेस मिल जाएगी. अच्छा, ये यूजुअली तब होता है कि जब पार्टीज में कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होती, यानी एक पार्टी चार्ज होगी, दे कैन नॉट कम्युनिकेट, या अब्यूज इन्वॉल्व है, तो बात करना पॉसिबल नहीं है, तो कोर्ट समझती है कि बच्चों के लिए डिस्ट्रप्टिव होगा कि एक पार्टी डिसीजन ले ले. दूसरी होती है ज्वाइंट कस्टडी. ज्वाइंट मीन्स इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर. सो प्राइमरी रेजिडेंस एक पेरेंट के पास हो सकता है, बच्चा इज रिजाइडिंग विद वन पेरेंट, दूसरे के पास एक्सेस है, लेकिन वो जॉइंटली डिसीजन ले सकते हैं, बोथ पेरेंट्स विल कम्युनिकेट टू मेक अ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड. ये उस वक्त दी जाती है कि जब पेरेंट्स में कम्युनिकेशन हो, जहां पे वो एक दूसरे से अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर सके और बच्चों के बारे में डिसीजंस ले सके.
सदिया, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे मैं केस डिस्कस करना चाहूंगी कि कोई हस्बैंड जो है वो जैसे कि अगर उसने ये कोर्ट में कहा हुआ है कि यस के बच्चे जो हैं वो मेरे पास इक्वली विजिट करेंगे, जैसे एक हफ्ते माँ के पास रहेंगे, एक हफ्ते बाप के पास रहेंगे, या वीकेंड्स पे रहेंगे या वेकेशंस पे रहेंगे, और वो आपस में ताल्लुकात रखेंगे हस्बैंड वाइफ, लेकिन उसके बाद हस्बैंड जो है वो बिल्कुल भी बच्चों से नहीं मिले, इवन दो के वो कोर्ट के पेपर्स पे साइन हुए हुए हैं कि यानी कि इस उस पे के बच्चों से मिलना रहना सब चीजें होंगी, तो इस सूरत में कोर्ट क्या कहती है? अच्छा, ये मैं आपका जवाब दूंगी। मैंने दो कस्टडी टाइप्स की बात की, सोल की, जॉइंट की। शेयर्ड कस्टडी होती है इक्वल टाइम स्पेंडिंग, जी, के एक हफ्ता माँ के पास, एक हफ्ता बाप के पास, दो दिन माँ के पास, दो दिन बाप के साथ, इक्वल टाइम स्पेंडिंग। और इसमें डिसीजन मेकिंग पावर यूजुअली सुहेल भाई दोनों पार्टीज के पास होती है, क्योंकि वो इक्वल वो दोनों जगह पे रहते हैं ना, इधर भी दोनों उधर भी, इस वजह से। अब जो आपने किया कि एक आपका कोर्ट ऑर्डर है और बाप को एक्सेस दी गई हुई है या माँ को एक्सेस दी हुई है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और वो कहते हैं नहीं ले रहे एक्सेस, ठीक है, उसमें फिर क्या होता है कि बच्चे के लिए डिस्ट्रप्शन नहीं होनी चाहिए, बच्चे की लाइफ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज द टेस्ट, देयर शुड बी स्टेबिलिटी, देयर शुड बी कंटिन्यूटी एंड देयर शुड बी नो डिस्ट्रप्शन। अब बच्चे को पता है कि बाप मुझे हर हफ्ते मिलता है, सैटरडे संडे, चार हफ्ते मिला चार हफ्ते गायब हो गया, चार हफ्ते मिला चार हफ्ते गायब हो गया, या माँ चार हफ्ते मिली चार हफ्ते गायब होगी। फिर जिस पार्टी के पास बच्चे हैं, जब बच्चे बहुत डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, अब जाहिर बात आपको डॉक्टर के पास भी लेके जाना पड़ता है, हो सकता है इस दौरान चिल्ड्रन एंड सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो जाए फॉर वेरियस रीजन, हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो पार्टी को चाहिए कि कोर्ट में जाए और जज को बताए कि इस तरह बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे की एक्सपेक्टेशन है कि बाप से मिलना है या माँ से मिलना, और वो जब पेरेंट नहीं मिल रहा वो बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन सब सिचुएशन कोर्ट बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए एक्सेस टेम्परेरी तौर पर बंद कर सकती है, ताकि पेरेंट उसको यूज ना करे और बच्चे को डिस्टर्ब ना करे। फिर वो पेरेंट को जाहिर बात है पेपर सर्व होंगे, वो आएगा कोर्ट पूछेगी, पहले तो पूछेगी भाई तुम क्या कर रहे हो, वो कहेगा जी मैं नहीं ले सकता, मेरे पास स्केड्यूल ही अलाउ नहीं करता। जज कहेगा फिर लिसन, तुम फिर बच्चों से बेहतर है कि तुम थोड़ी देर के लिए ना मिलो, क्योंकि बच्चों की जिंदगी में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। अगर वो पेरेंट कहता है कि नहीं जी मैं आई एम गोना मेक अमेंड्स और मैं कोशिश करूंगा, मेरा जॉब का प्रॉब्लम था, मेरा हेल्थ इश्यू था या कोई भी था, तो मैं एक्सक्यूज भी बना सकता तो हाँ, तो फिर मैं रेगुलर मिलूंगा, फिर कोर्ट विल कीप अ चेक। अगर फिर कोर्ट उसको अलाउ करे कि कोर्ट चाहती है कि बच्चे दोनों पेरेंट्स के साथ इक्वल टाइम स्पेंड करें, कोर्ट विल गिव दैट अपॉर्चुनिटी इन मोस्ट सिचुएशंस। उसके बाद भी अगर फिर करेगा तो देन फिर कोर्ट जो है ना वो अच्छा। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे केसेस देखे कि बाप जो है वो दो दो साल तक नहीं मिले और जो है वो बच्चों को काउंसलिंग पे जाना पड़ा है, और उसके बाद अचानक लाइफ में आ गए, फिर चले गए, फिर गायब, तो वो चीज दो दो साल के बाद आते हैं वो एक्सेस मांगते हैं, ठीक है। एक्सेस क्या मांगेंगे, वो आधे घंटे के लिए मिल लिए, कॉफी पिला दी बच्चे को, या समटाइम कॉफी भी नहीं पिलाई, लाइक मैं एक बात कह रही हूँ, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो ये रियल स्टोरीज हैं, बहुत हर्टफुल हैं, लेकिन ये है कि बच्चों की जिंदगी में वही ना अपने लड़ाइयों को से बच्चों को अफेक्ट ना करें, क्योंकि दुनिया में बच्चे कैसे आए हैं, आप दोनों पेरेंट्स दुनिया में बच्चों को लेके आए हैं, तो उनको क्यों सजा दे रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स की वजह से। So best interest of the children, they should always keep in mind. Blame game करते हैं और उसके बाद फिर बच्चे फिर शादियों से फिर ऐसे मैंने बच्चों को देखा है कि जो बेचारे फिर बड़े होकर शादियां नहीं करना चाहते सिर्फ इस वजह से कि माँ बाप के जो शादी सक्सेसफुल उनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा होता है किस तरह से प्रॉब्लम्स हैं, तो अक्सर होता है कि बच्चे रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहते। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इन सिचुएशन में ज्यादा बेहतर है कि बच्चा एक पेरेंट के पास रहे, कि बजाय कि जो देखे कभी एक के पास गया कभी दूसरे के पास आया, ये बच्चों के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव है, कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये व्यू है, लेकिन यहाँ की कोर्ट कहती है इक्वल टाइम स्पेंडिंग, और वो भी इन सम सिचुएशन में भी यही बेहतर हो। लोगों के डिफरेंट व्यूज हैं इस बारे में। फिर एक और चीज है कि ये रिवेंज, ये समझते हैं फैमिली कोर्ट है, हमने इससे यहाँ से रिवेंज लेना है। फैमिली कोर्ट इज नॉट द प्लेस फॉर रिवेंज, आप वहां पे बदला लेने के लिए नहीं जाते, आप बच्चों के राइट्स और आपके जो राइट्स हैं उनकी डिटर्मिनेशन के लिए उसके पे उसके फैसले के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे बदला लेने के लिए अपने स्पाउस से, तो आपको कोर्ट की तरफ से या जो लॉयर वाकई में अच्छा लॉयर है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज और एथिक्स को समझता है, वो आपको उस चीज में सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्लेस टू सीक रिवेंज।
सादिया, ये तो जैसा कि आपने बताया था बड़ा वास्ट ये सब्जेक्ट है और इस पे जो है वक्तन फवक्तन हम बात करते रहेंगे, टाइम पता नहीं चला, और जो है वो फिर हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको जहमत देंगे कि आप हमारी पब्लिक को एजुकेट करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि इससे आप जो है बहुत ज़्यादा जो है अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में या सराउंडिंग में खुदा नखास्ता चल रही है तो आप जो है अब अवेयर हो सकें इस चीज़ से। तो सादिया से हम इजाज़त चाहेंगे, प्रोग्राम का जो है वो इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, तो फिर नेक्स्ट सेगमेंट में जो है एस्ट्रोलॉजर के साथ मुलाकात करते हैं, आपके सामने होंगे हम, और चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। यू गए और यू वापस आए। ब्रेंटफर्ड डाउनटाउन में इन्वेस्टमेंट का एक शानदार मौका, लॉरियल यूनिवर्सिटी कैंपस सेंट्रल लाइब्रेरी से चंद कदम के फासले पर, कॉन्डो प्राइसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम $300,000, बुकिंग विद ओनली $5,000, इजी एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर, मिनट्स टू हाईवे, फ्रंट ऑफ द वाटर पार्क, 2 साल की रेंटल गारंटी, 1 साल की फ्री मेंटेनेंस और साथ में फ्री असाइनमेंट क्लॉज। बाय अ कॉन्डो एंड एंटर टू विन अ ब्रांड न्यू कार। टू बुक अ यूनिट कॉल अदनान शम्सी एट 416-788-7009 और विजिट ग्रैंड condos.ca. Special signing event on 1st February at Brantford. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. हमारा मानना है कि खानों से सिर्फ सेहत ही नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। महसूस कीजिए देसी खानों की ताजा महक। Village Taste, the true traditional Pakistani cuisine. जहाँ न सिर्फ पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और वीकेंड ब्रेकफास्ट एंड डिनर बफे होता है, बल्कि विलेज का माहौल भी है। तजुर्बेकार पाकिस्तानी शेफ की बनाई हुई स्पेशल कढ़ाई और बारबेक्यू। एक बार पाकिस्तान के रिवायती खानों का मजा लेने जरूर आइए। पार्टीज और केटरिंग के स्पेशल पैकेजेस के लिए रابطہ करें 9052323663। विलेज टेस्ट, 4141 डिक्सी रोड, मिसिसागा। Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सादिया बुखारी हमारे साथ मौजूद थी, जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव सेगमेंट था हमारा लीगल हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जो है वो हमारा ये वाला सेगमेंट जो होता है एस्ट्रोलॉजी का, ये हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि उसका हफ्ता कैसा गुजरेगा। स्पेशली जो मर्द हजरात हैं वो बीवियों के जो है स्टार्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि उनका जो है वो किस तरह का जो है वो सेगमेंट नहीं बल्कि वीक गुजरेगा। बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कोई ना चाहते हुए भी इंटरेस्ट रखता है। पहले भी बताया था कि ये चीजें तो लाइक आप इस तरह समझ लें कि क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और ना खाए वो भी पछताए। इसमें कोई भी हर कोई सुनता भी है, देखता भी है, चाहे यकीन करे ना करे। हाँ। लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें होती है। सही बात है। तो इस वजह से ये सेगमेंट अभी जो हम शुरू तो कर दिया है, अभी जब डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे तो और इंटरेस्टिंग बातें जो आपको सुनने को मिलेंगी। तो मेरे ख्याल है सब लड्डू बताएंगे कि कौन पछता रहा है और कौन नहीं, इस साल कौन पछताने वाला है और कौन नहीं।
अल्लाह से दुआ तो यही है कि सब लोग जो हैं खुशबाश जो है वो अपना साल गुजारें, क्योंकि जनवरी का महीना जो होता है वो पूरा ही समझ लें आगाज होता है, और जो है वो बाकी 11 महीने किस तरह गुजरते हैं वो बताएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन आहिस्ता 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 अगर एक साथ बता देंगे तो आप लोगों का वो चार्म भी खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप सबको। मैं तो बड़ा खुश हो गया था जब इन्होंने कहा कि सबसे पसंदीदा शख्सियत ये बताने जा रही हैं। इन्होंने कहा सबसे पसंदीदा सेगमेंट। बहरहाल मेरी कुछ आई थी। वैसे वाकई ये बड़ा पसंदीदा इस लिहाज से होता, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती हैं जब जो कोई भी बताता है, जो लोग इस सिलसिले को देख रहे हैं या कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज है जिनकी, तो इसमें दिलचस्प बेशक होता है। अब ये नया साल जो शुरू हो चुका है, अब तो ऑलमोस्ट महीना खत्म होने को है, इसमें हम देखेंगे कि ये पूरा साल हम सबके लिए कैसा होगा, क्योंकि ये 12 महीने हैं और 12 शख्सियात में हम तकसीम किए हुए हैं इसको, पूरे सिस्टम को, तो इसके लिए टाइम तो काफ़ी चाहिए होता है किस किस को जो जो बताएंगे, लेकिन जाहिर है कि ना इतना टाइम है और उसके लिए बहुत कुछ चीज़ चाहिए, डिटेल मालूम करना है तो फिर तो वो हम भाई बर्थ चार्ट से बनाते हैं, लेकिन जितना भी हो सकता है एक जनरल वो व्यू दे सकते हैं, और वो मैंने थोड़े से कुछ नोट्स लिए थे जो आपने टाइम दिया था उसी में ही। तो बहरहाल आप सबको मुबारकबाद कि अब नया साल तो अब शुरुआत हो चुकी है, और दुआ यही है अल्लाह ताला से कि हम सबको खुशियाँ दिखाए और बड़े अच्छे अच्छा हमें वो हो, क्योंकि सब कुछ करने वाली वही ऊपर एक ज़ात है अल्लाह ताला की, कि जो इस पूरे सिस्टम को चला रही है और इसका हम पर असरात होते हैं। तो शुरू करते हैं जी जी। पहला महीना होता है एरीज, आप में से कोई एरीज तो नहीं है? अच्छा, अच्छा ये आपका जो रोलिंग प्लैनेट है वो सजिटेरियस, वो जनवरी 3 से और फरवरी 16 तक, ये आपका करियर के हिसाब से बड़ा अच्छा है। क्या बात है। और यानी इसमें आप जितने भी जो भी एरीज हैं उन पर ये सलाह इसके बड़े अच्छे पड़ रहे हैं कि उनके जो करियर जो है उसमें बड़ी तरक्की कर सकते हैं, और आगे साल आगे जितना भी है उसमें उसके सम्राट देखेंगे वो। और थोड़ा थोड़ा मैं बताता चलता हूँ, मेन हेडिंग्स जो है वो तो करियर आपके लिए है। उसके बाद आ जाता है टॉरस, और इसमें ये कुछ कशिश शख्सियत के लोग मालिक होते हैं, एरीज भी होते हैं वैसे। नहीं वो तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ तो ये लोग जो है अपने आप को कुछ लगेगा कि कुछ हम नए उसमें हमारी शख्सियत में कुछ चेंजेस आ रही हैं किसी भी तरह से, मतलब वो अपने आप को फ्रेश फील करेंगे और ये उन्हें लगेगा कि हम ये काम भी कर सकते हैं, ये काम भी और उसमें कर भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं, कुछ ऐसे असरात पॉजिटिव असरात हैं कि जिसके वजह से उन्हें लगेगा और वो पूरा साल अच्छा फील करते हुए अपने काम आगे बढ़ाते रहेंगे, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम उसमें नजर नहीं आ रही है। एक एक जिसमें नजर आ रही है वो भी मैं आगे जब आएगा तो बताऊंगा कि किस स्टार में ज्यादा नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जेमिनी, जेमिनी 3 से अप्रैल 3 से और अगस्त 7 तक वेनस जो है वो इनके पैदाइशी घर में है, तकरीबन 4 महीने का ये अरसा है, अच्छा खासा होता है, और इसमें उन पर जो बड़ा पॉजिटिव एक चीज जो उनके लिए है रोमांस और ये चीजें इन पर ज्यादा क्या बात है हावी होंगी, और इस तरह उनको दफन थोड़ा सा उनको महसूस होगा कि इसमें उनके अच्छे असरात देखेंगे वो इस सब। तो जाहिर है कि हर कोई चाहता है कि जरा सा अच्छे, हर कोई चाहता है, तो एरीज में आपको नजर नहीं आया क्या? अब नहीं, आपने जो कैरियर बताया ये तो उससे भी आपको खुश हो जाना चाहिए, जो भी मतलब है, तो जो खास खास असरात में सिर्फ वो बताते चलोगे कि बहरहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सबकी डिटेल बताएं, अगर कोई पूछना चाहे तो वो भी बताया जा सकता है। तो ये है इनका कि ये 4 महीने इनके बड़े अच्छे, अगर फैमिली लाइफ है तो फैमिली लाइफ में बड़े अच्छे खुशगवार ताल्लुकात रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, उधर रोमांस वगैरह यही होता है। जेमिनी का आपने कहा है? जी जेमिनी का तो था। उसके बाद आता है कैंसर, कैंसर के का यह है कि इनके यहाँ सूरज, इनके घर में जो है ना तकरीबन एक सूरज ग्रहण है, 2 मून इसमें इक्लिप्स हैं इसमें, तो उसके थोड़े से इतने अच्छे असरात नहीं होते हैं, कुछ लोगों पर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ पे नेगेटिव, मोस्टली नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव उनके कि जिस वक्त वो पैदाइश के घर में उस वक्त क्या सिचुएशन है वो देख के अंदाज़ा होता है, लेकिन उम्र मैं सूरत हाल थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इन पर इतने ग्रहण के असरात होंगे, उसके लिए थोड़ा सा ये है कि आप सदका खैरात करें और एक्टिविटीज़ जो डेट हैं इक्लिप्स की उससे थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को ज़रा
डाउन कर दें, इतना ज्यादा नहीं रहे, क्योंकि कुछ नुकसान का अंदेशा होता है, बाकी तो अल्लाह से दुआ करें सब ठीक रहेगा। अच्छा, इसमें कोई कलर वगैरह का तो स्पेसिफिक कोई कलर का सदका या कुछ और तो वो नहीं है? बताते हैं लोग कि कलर का सदका होता है, कुछ ब्लैक कोई चीज या दाना डाल दें परिंदों को, ये भी इसके लिए कोई खास नमाज भी मैंने कहीं पढ़ा था कि इसकी खास नमाज भी पढ़ी जाती है इसके। हाँ, क्योंकि क्या कहलाती है? हाँ, उसके लिए एक नमाज होती है, दो रकात आप पढ़ सकते हैं जिस वक्त ये इक्लिप्स हो। आप ये देखिए कि मैंने जब ये पता चला मुझे कि ऐसे वो होती है, जब काफी टाइम पहले मुझे मालूम हुआ, आप देखिए कि उस वक्त सिचुएशन ये होती है कि ये एक उसमें बीच में होता है, अगर हाँ, और चांद और जमीन के बीच में सूरज होता है या इस तरह की कोई चीज बनती है, तो आप देखिए कि सिचुएशन जो उस वक्त थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है तो खतरनाक भी हो सकती है। क्या ऐसा होता होगा कि जो एक नमाज पढ़ी जाती है कि खैरियत रहे जी। तो मैं समझता हूँ कि देखिए उस वक्त भी साइंस में इतनी सतर्क तो नहीं पहुंची थी, लेकिन चूंकि सिस्टम अल्लाह का बनाया हुआ, समझने वालों ने ये समझा कि वाकई उस वक्त फल्कियात की सूरत ऐसी होती है कि बेहतर है कि अल्लाह से पनाह मांगी जाए, अल्लाह से दुआ की जाए कि खैरियत के। तो बहरहाल साइंस और जाहिर की सारी चीजें साथ साथ ही हैं। तो ये मैं कैंसर का बता रहा था। अच्छा, लोग का भी ये साल थोड़ा सा मुश्किलात का साल है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बेचारे सब पे मुसीबतें ही आएंगी, अच्छे दिन भी आएंगे, बातें हैं, लेकिन एक ओवरऑल जब हम पिक्चर देखते हैं किसी महीने की किसी साल की, तो वो किसी पर बड़ा अच्छा होता है, कोई साल किसी के लिए, कोई साल किसी के लिए अच्छा होता है। वैसे तो अच्छा बुरा उसमें भी देख लेते हैं कि जो नंबर हम काउंट करते हैं ईयर के और जो हमारे नाम के नंबर होते हैं उससे अगर मैच करता हुआ साल हो तो उस वो भी, लेकिन आप इल्मुल आदात की तरफ। हाँ, मैं वहाँ तो वो भी खैर बहरहाल वो भी वो है, उससे भी मालूम होता है सारा चलता है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल आते हैं लोग के लिए। अच्छा। बाकी लोगों के लिए इतनी नहीं है जितना है। किसका, सेहत के हवाले से या किस हवाले से? देखिए जब मुश्किल से मुराद होती है कि नेगेटिव असरात होंगे किसी सारे के, तो आप पर सेहत पे भी असर पड़ सकता है, आपके कारोबार पे भी असर पड़ सकता है, आपके ओवरऑल आपके। हाँ, ओवरऑल। अच्छा, क्योंकि अभी हम सारी अभी जनरल चीजें बता रहे हैं, जनरल चीजें बता रहे हैं, क्योंकि डिटेल्स में फिर ये क्या आहिस्ता आहिस्ता आगे जब चलेंगे तो फिर हाँ, अगर डिटेल में जाएं जायचे निकालें तो फिर तो एक एक चीज दिख सकती है कि कब कहाँ। मेरे तो बल्कि एक उस्ताद हैं, वो तो यहाँ तक बता देते हैं कि किस टाइम पर क्या होगा। तो मतलब कैलकुलेशन इस हद तक हो सकती है, बाकी करने वाली जात ऊपर ही है। और मैं ये कहता हूँ कि टाल भी हो ही सकती है और जो होना है वो भी वही कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मैं बता रहा था अभी लियो के लिए, उनके लिए थोड़ा सा ये है। अच्छा, वर्गो इसके बाद आता है, जनवरी 12 से अप्रैल 4 तक और जून 29 से नवंबर 12 तक जुपिटर जो है इनका, ये इकट्ठे होंगे उनका। अच्छा। काफी हाँ, कई स्टार्स एक साथ इकट्ठे होंगे और इनके हाउस ऑफ फन में होंगे, यानी ये बहुत ऐसी एक्टिविटीज जो फन से ताल्लुक रखती हैं, लोग होते हैं मेरे जी जी लोग वैसे जो, नहीं नहीं जो फन से रिलेटेड जो इनकी एक्टिविटीज हैं उसको बड़ा इस पे बढ़ावा मिलेगा और उसमें तरक्की होगी। अच्छा। उसमें और एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और करें तो उसमें अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। तो ये मैं बता रहा था वर्गो लोगों के लिए। अच्छा, अब आ जाइए लिब्रा। लिब्रा जो होते हैं सोशली बड़े चहेते होते हैं, बड़े पॉपुलर होते हैं लोगों में। अब मुझे नहीं पता कि लिब्रा कोई है अपने जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है, आपको देखिए भी अंदाजा होता है माशाल्लाह, बड़े मकबूल है, आपको भी है। मैं इसका लेकिन जनवरी में जो अब जो अभी है 10th जनवरी को एक गुजर चुका है जो एक्लिप्स, इसके इतने अच्छे असरात नहीं हो रहे हैं पर। अब उसमें ये नहीं है कि कोई इस पर कोई आपका भयानक कोई ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन एक होता है ना कि आपकी एक स्मूथली लाइफ जा रही है उसमें थोड़ी बहुत कहीं कहीं आपको उलझने या कोई रिकॉर्ड ऐसी महसूस होगी, लेकिन ये एक लफ्ज जो अभी गुजरा है इसके आप पर ये असर 10 जनवरी को हुआ है, तो इसमें ये थोड़ा सा आपको है, बाकी ओवरऑल फिर बेहतर है। बाकी किसी भी एक्लिप्स के असर जो होते हैं वो उसके करीब करीब के दिनों में मतलब ज्यादा महसूस होते हैं और जो जो टाइम गुजरता है वो असरात कम होते चले जाते हैं। ठीक है, मैं बाकी ये चीजें फील कर रहा हूँ कि हाँ, हाँ, तो ये होता है आहिस्ता आहिस्ता पर उसके असरात। और मैं तो ये समझता हूँ कि उससे मांगिए तो वो भी असरात बुरे भी नहीं, बिल्कुल वही सब संभाला देने वाला है। अच्छा, अब आ जाइए स्कॉर्पियो। ये लोग थोड़ा सा
इस पूरे साल में थोड़ा सा फलसफियाना अंदाज में ज्यादा सोचेंगे, ये वैसे भी सोचते हैं वो है, हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस साल ज्यादा सोचेंगे, तो आपने सही कहा, हाँ। ऐसा ही है ये लोग, लेकिन जब ये जो टाइम है अब इनका, इसमें ज्यादातर ये अपने उसमें रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ मामला में इन्हें रुकावटें महसूस होंगी, करियर में भी थोड़ी सी, और अगर कोई फैमिली में प्रॉब्लम्स कुछ हैं तो थोड़ी सी उनमें भी रिकॉर्डें इन्हें महसूस होंगी। बहुत ज्यादा ऐसे कोई नेगेटिव वो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जरूर मुश्किल आते हैं इनके लिए। कोई उसका उपाय या फिर देखिए वो मैं तो देखिए उपाय तो बहुत होते हैं, वो अगेन वही चीज है ना कि वो जब किसको क्या सूट करेगा वो चीज है फिर डिटेल में, लेकिन मैं इन सब को निचोड़ के मैं एक बात कहता हूँ भाई, मांग लो उससे वो देगा जरूर, सही बात है, चाहे रुकावटें भी दूर हो जाएंगी और अच्छाइयां भी मिलेंगी, लेकिन ये सही है कि अगर पूरा बनाया जाए तो आप यकीन जानिए पूरा आपको बताया जा सकता है कि किस टाइम पर क्या आप करेंगे जो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाए, और महाराज ये इस तरह है। आज ही उसके बाद सजिटेरियस, ये बड़े ये भी बड़े लोगों को के लिए अट्रैक्टिव लोग होते हैं, और लेकिन इस साल उसमें और इजाफा होगा, अच्छा, यानी लोग इनकी तरफ खींचेंगे, इनके से इनसे फायदे ये फायदा पहुंचा सकेंगे लोगों में, ये कहूँ कि अगर ये कहूँ कि लोग उन्हें फायदा उनसे लेंगे तो नेगेटिव हो जाता है थोड़ा सा, नो, बल्कि ये जो सहचर्यस लोग हैं ये लोगों को फायदा पहुंचा सकेंगे इस साल, और उसमें अच्छा फील करेंगे, जाहिर है कि बेहतर फील करेंगे। उसके बाद आ जाता है कैप्रिकॉन, इनके लिए साल बहुत अहम है, बल्कि सारे स्टार्स में ये जो है इस वक्त कैप्रिकॉन जो है ये इनके लिए बहुत अच्छा साल है, और ये इसमें जिस काम में भी जाएंगे शूट अप करेंगे, अच्छा। तो कैप्रिकॉन वालों को मतलब खुश हो जाना चाहिए और कई स्टार बड़े अच्छे सितारे इनके एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं इनके हाउस में, तो इसलिए मैंने कहा कि ये इनके लिए बेस्ट ईयर है, मतलब बहुत अच्छा रहेगा जितने भी हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे जो मैंने अपने नॉलेज इकट्ठी करके जो नोट्स बनाया भी थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा उस हवाले से बता रहा हूँ, और मतलब इस साल के एंड में ये कहेंगे कि हाँ हमने कुछ अचीव किया, बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद है एक्यूरेट्स हैं आप, ये जो है इनको साल में कई बार अचानक ऐसी चीजें फेस करनी पड़ेंगी कि जो अनएक्सपेक्टेडली एकदम इन्हें कहेंगे क्या हो गया, क्योंकि यूरेनस जो है वो इन अ गुड वे और वो अचानक होता है, ये जो यूरेनस इसका काम ही होता है, अगर आपके घर में है जैसे आप कुछ एक्सीडेंट भी अचानक कोई ऐसी चीज हो जाएगी या कोई खुशखबरी अचानक मिल जाएगी, मोस्टली नेगेटिव चीजें वैसे अचानक होती हैं, इसके बुरे असरात होते हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा एक दो चीजें ऐसी हो सकती हैं इस साल में कि जो भी कोई अचानक इनको हिलाएंगे थोड़ा सा, और बाकी आगे आपका क्या है स्टार्ट? यही बता रहा हूँ पाइसिस, पाइसिस के लिए मैं ये कहूंगा कि ये साल शुरू में यानी अच्छा एक चीज और बता दूं इससे पहले कि मैं ये बताऊं पाइसिस का, ये साल जो है वो 24 जनवरी से सिचुएशन चेंज हो रही है कि सबके लिए जो ये साल है वो अच्छा रहेगा, ओवरऑल मजबूत तौर से सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, 24 जनवरी से सिचुएशन होगी, उसके बाद 8 फरवरी से एक और सिचुएशन चेंज होगी स्टार्स की कि जो सबके लिए और अच्छा हो जाएगा, अच्छा okay, so better, ये तो मैं एक जनरल बता दूं, मतलब बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, जी 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 जी, और इसी तरह हम जो 8 फरवरी मैंने कहा है इससे पाइसिस के लिए भी काफी बेहतर सूरत हाल हो जाएगी, उनके करियर उनके जो फैमिली हाउस है उसमें और ये सारी चीजें उनके लिए बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर साहब ये वाला सेगमेंट तो मतलब गुजरते टाइम ही नहीं पता चला, यकीन नहीं टाइम अगर हो या थोड़ा सा इसको हम करें, हाँ। इतना कुछ चीजें हैं कि सुनने वाले हैरान रह जाएंगे, ये कैसे कैसे यानी ये दुनिया है, पूरी पूरी दुनिया है, पूरा एक पूरी साइंस है ये, और जितना भी इसमें इस पे हम बताना चाहें डेप्थ में जितना भी जाना जी जी जी, मैं चाहूंगा शाजी आप हम इसका ना ये सेगमेंट का थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं कुछ इस पे, कितना बढ़ाएंगे सर जितना उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल इस टाइम वक्त इजाजत नहीं दे रहा से जो है मैं इजाजत चाहूंगी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मेरे ख्याल है हमारे ऑडियंस, और मेरीज का कुछ बताते अच्छा जी बताए बताएंगे, फिर सारी डिटेल्स में बताएंगे,
तो नाज़रीन इस वक्त जो है वो टाइम अब ख़त्म हुआ चाहता है, अब हम लोग जो है इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह जो है वो आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात करते हैं और जो है वो फिर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन देंगे हर हवाले से, तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। बिल्कुल जी, मिलते हैं अगले हफ्ते अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। Hi everyone, I'm Shahid Khwaja. I would like to invite all realtors who are looking for success and right platform. Our core values are being a good human in every aspect of life, family first, spending quality time with your family, goal setting, how to plan your day, week and months. Execution is the key to success. Giving back to community. If you want to grow, call today. 416-662-3000 or shahid.ca. Dixie Electronics and Appliances is your number one destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल स्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, तामिश तौफीक, तामिश तौफीक. If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. Dost, aapka Rafiq. Tabish Tawfiq, Tabish Tawfiq. 647-518-3000.